हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में फ्रेंड्स। और आज की नई वीडियो फ्रेंड्स बात करने वाला फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डिवाइस में प्राइवेसी पासवर्ड लगा के भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हो और आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो। आज की वीडियो फ्रेंड्स ये बात करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फ़ोन में ऐप लॉक सेटिंग यूज़ कर देते हैं हाइड ऐप सेटिंग और आप उसके पासवर्ड को भूल गए, मतलब प्राइवेसी पासवर्ड जो सेटिंग है, आप इसको कैसे अनलॉक करोगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग का, तो इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी पासवर्ड और ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको लगा के भूल गए हो तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो फ्रेंड्स आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दो। और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जब आपने ऐप लॉक स्टार्ट करा था अपने फ़ोन में, ये हाइड ऐप सेटिंग मतलब प्राइवेसी पासवर्ड जब आप सेट कर रहे थे, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर इंटर करा होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है वही क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो भी आंसर है आप यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पर आपका जो ऐप लॉक का पासवर्ड है मतलब जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा और आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हो और आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, वापस से रिस्टोर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये याद नहीं है क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक नहीं कर सकते। फिर फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में अपने फ़ोन का फैक्ट्री सेट करना पड़ेगा, आपको पूरा वाइप डाटा करना पड़ेगा, तब आपकी ये सेटिंग अनलॉक होगी। तो फ्रेंड्स, फैक्ट्री सेट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को याद करना है, अपना सिक्योरिटी पोर्शन को याद कर लेना है। तो अगर आपको याद आ जाता है तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपको याद है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वो एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने यही लिखा था और शायद ये रॉन्ग भी हो सकता है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। या शायद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और भी लिखा था मैंने दूसरे वाले में, एक सेकंड, शायद मेरा ओपन नेम था और नीचे मैंने फ़ोन लिखा था, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं पहले, वरना फिर नेम को ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पहले तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इनकरेक्ट आंसर, मतलब जो हम पासवर्ड डाल लेंगे इनकरेक्ट है, जो हम क्वेश्चन का आंसर डाल लेंगे इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। शायद मैंने दोनों क्वेश्चन में फ्रेंड्स शायद मैंने नेम लिख लिया था, तो मैं वेरीफाई करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, अभी एग्जांपल के लिए पैटर्न यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, पैटर्न ज़्यादा ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वाला पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक करने के बाद आप जो भी पासवर्ड यूज़ करोगे अब वो याद रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेसी सेटिंग हमारे यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी, हम वापस से यूज़ कर सकते हैं ऐप हाइड सेटिंग को और हम अपने ऐप लॉक सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और फ्रेंड्स, अगर प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग यूज़ नहीं करना चाहते या आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड, मतलब आप अपने फ़ोन में प्राइवेसी पासवर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका पासवर्ड एंटर कर देना, आपका प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, आप देख सकते हो। इसको वापस सेटअप करना पड़ेगा 1 बाय 1, तब आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में जो जो ऐप लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे, जो ऐप हाइड हो रखे थे वो अनहाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे अपने प्राइवेसी पासवर्ड को हटाते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार फ्रेंड्स। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम आप कमेंट में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।